वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूयॉर्क सीरीज। हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। द ऑक्यूलस, द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन स्टेशन। बाकी का तो बाद में देखेंगे, पहले ये खुद ही में मॉल है। द टिकट्स आर गोइंग टिल $1900, ऑलमोस्ट 1.6 लाख अराउंड। At the 9/11 memorial, the financial district. Sorry guys, you can hate me as much as you want. Hello, namaste, pranam, sat sri akal, vanakkam, adab. I am Shamli of Mickey. And I am Dipali. And welcome to our first episode of New York series. Right now we are at Newport, Jersey City with the world famous New York skyline at the back. I watch a lot of movies and in every movie based out in New York, I have seen the skyline and today I'm in front of it, which makes me very excited. So, वैसे तो मेरा आज fifth day in New York, but पिछले 5 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं literally bed rest पे थी. But keeping that all aside, अब है full मस्ती time, अब कोई नहीं मेरे को रोक सकता, अब पूरे time New York घूमेंगे. So, आज पहला एपिसोड है एंड वी आर प्लानिंग टू विजिट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द 9/11 मेमोरियल एंड द वर्ल्ड फेमस बुल ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट. एंड फॉर अ चेंज वी आल्सो हैव अ पेरेंट्स, माय मॉम एंड डैड अलोंगसाइड हु आर बिहाइंड द कैमरा. वी आर गोना पुल देम इन इनटू द फ्रेम एंड वी आर गोना बी व्लॉगिंग द एंटायर थिंग विद द एंटायर फैमिली. हेलो, दिस इज माय डैड. हाय. एंड मम्मा इज एंड दिस इज आवर मॉम. हाय. So now, अब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ. यहाँ ट्रेन को पाथ कहते हैं, पाथ स्टेशन. यहाँ ट्रेन को पाथ ही कहते हैं, मतलब जो ट्रेन है जो न्यू जर्सी को न्यूयॉर्क से कनेक्ट करती है, दैट इज पाथ. द ट्रेन दैट रन्स विद इन न्यू जर्सी, दैट्स एनजे ट्रांसिट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन दैट यू कैन बोर्ड बाय, बट इफ यू वॉन्ट गो टू न्यूयॉर्क फ्रॉम हियर जर्सी सिटी, देन यू नीड टू टेक द पाथ ट्रेन. अभी हम वाटर फ्रंट से जा रहे हैं पाथ की तरफ एंड इट विल टेक यू अबाउट लाइक 5 मिनट्स टू वॉक फ्रॉम द वाटर फ्रंट. एंड पाथ ट्रेन इज प्रिटी क्लोज बाय एंड इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू $2.75 वन वे. और एंड ऑल्सो एक चीज बताना है, अगर तुम्हें मंथली पास ले रहे हो, अगर आप सबको मंथली पास लेना होता है, देन दैट विल कॉस्ट यू $100 और वो आप कितनी बार भी यूज आ जा सकते हैं. एंड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ मंथ इज गोइंग टू कॉस्ट यू $110. राइट. So that is that, and also there is a new feature now that we have that path has included in a couple of stations, which is called tap. So our card, my credit card, yeah, Apple Pay, say you can directly tap. You don't really have to purchase a path card now. So you can just tap your card, credit card, debit card, or Apple Pay, and just go through it. That's convenient. Yeah. कार्ड की झंझट ही नहीं है. हाँ, पर मतलब अगर मंथली चाहिए, अगर मंथली पास चाहिए आपको, विच इज क्वाइट यूजफुल फॉर पीपल हु गो एवरी डे टू ऑफिस, तो वो मंथली पास बना लेते हैं. दैट कॉस्ट 110. तो आपके पास कौन सा? अभी मेरे पास वन वे ही है, बिकॉज आई डोंट रियली हैव टू गो ऑन एवरी वीकेंड. अगर मैं 5 डेज अ वीक भी जाती हूँ तो मेरा इफेक्टिवली कॉस्ट उतना ही पड़ता है. Return, baby, on the summer night. Shot of love and a spark of love to be. Stars align and the month time night burn like a granite leaf. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Come on. Five, I don't hear it in my song. I'm gonna pull my weight, don't get me wrong. Brand new start and a whole new part. They are big old shoes to fill.
I'll be there on that platform, babe. No, I will. Come on, let's ride this train. Mm-hmm. Come on, let's ride this. So, guys, we have reached the Oculus, which is basically home to 12 subway lines. और यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोर शॉपिंग सेंटर्स बहुत सब कुछ आपको मिलेगा एंड अपेरेंटली इसे कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन स्टेशन है एंड दिस इज सो व्हेन यू कम हियर यू विल सी दैट इट्स प्योर वाइट लाइक द एंटायर आर्किटेक्चर सो यूनिक यू नो वेरी इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड वेरी फ्यू टू नो trash cans around here and finally it's so clean that I mean I don't get how so the first time when I was coming here I was going to Dumbo so you train the you change the station from here and the moment I entered this place I was taken aback I was like baki ka to baad mein dekhenge pehle ye khud hi mein mall hai So guys, I just came across this poster, ICC Men's T20. So didi, कहाँ हो? ये कहाँ हो रहा है तो मुझे नहीं पता exactly. But I know that one of the matches in the first week of June, which is India versus Ireland, and the tickets are around $300. Which is not bad. I'll tell you the most surprising thing. How much? $300, which is just India versus Ireland. जो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच है तो टिकट्स आर गोइंग टिल $1900 मतलब एक एक टिकट $1900 की बिक रही है लाइक हाउ मच मतलब ऑलमोस्ट ये थोड़ा काउंटिंग के बाहर जा रहा है ऑलमोस्ट 1.6 लाख अराउंड मतलब एक टिकट होगी मैं टीवी पे देख लूंगी सो गाइस आई जस्ट केम अक्रॉस दिस प्लेस कॉल्ड द स्ट्रेंजर्स प्रोजेक्ट यहाँ लोग अपनी स्टोरीज लिखते हैं बेसिकली व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ और क्या उनको इफेक्ट कर रहा है दे हैप्पी मोमेंट्स दे सैड मोमेंट्स तो सबने यहाँ अपना कुछ ना कुछ लिखा हुआ है The food court इसे लिबर्टी मार्केट कहते हैं यार एंड आई कैन सी दैट यहाँ बहुत सारी क्यूजीन्स मिलती है जैसे कि देर इज कोरियन देर इज मैक्सिकन देर इज जापनीज देर इज इटालियन देर इज सम पेरुवियन क्यूजीन देन आई मीन देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन वन थिंग दैट आई नोटिस हियर कि यहाँ हाई एंड ब्रांड्स भी और नॉर्मल ब्रांड्स भी हैं हाई एंड ब्रांड्स में आई सॉ दैट देर इज ह्यूगो बॉस देर इज केट स्पेड और भी बहुत सारे हैं और यहाँ आपको H&M बनाना रिपब्लिक वगैरह भी बहुत सारे आपको ब्रांड्स दिखेंगे और अभी तो ऐसे कोई शॉपिंग करने का दिल नहीं है नाउ लेट्स हेड टू द 9/11 मॉल at the 9/11 memorial so इन्होंने basically यहाँ किया क्या है there were like two towers one north tower and the other south tower जिसको they've converted into a pool और यहाँ 3000 लोगों के names लिखे हुए हैं who died here So here's the basic map that they've shown.
अभी हम ऑक्यूलस से आए थे एंड देन नाउ वी सॉ द साउथ पूल, अब हम जाएंगे नॉर्थ पूल की तरफ, वी हैव अ लुक एट द नॉर्थ पूल. सो हियर आई एम एट द नॉर्थ पूल. यार एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ बहुत सारे लोगों के नेम्स के सामने उन्होंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, विच इज़ वेरी विच इज़ वेरी टचिंग. सो नाउ मूविंग फ्रॉम द 9/11 मेमोरियल, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट. अभी यहाँ से जाएंगे आगे राइट तो वो बुल वाला एरिया, बुल की स्ट्रीट स्टार्ट हो जाएगी. द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट सी गैप एंड इस लेन में काफ़ी ऐसे स्टोर्स भी है आइसोलेटेड फॉर शॉपिंग. दिस डंकिन पिज्जा प्लेस, या पिज्जा की बहुत शॉप. या आई मीन न्यूयॉर्क पिज्जा इज अ थिंग, मतलब लिटरली न्यूयॉर्क वन ऑफ द थिंग्स दैट न्यूयॉर्क इज रियली पॉपुलर फॉर आर द पिज्जास. आई मीन लिटरली एवरी स्ट्रीट एवरी एवेन्यू सारे उसमें आपको पिज्जा की दुकान जरूर दिखेगी. एंड बहुत बहुत जगह मतलब मोस्टली यहाँ पे पिज्जा बाय स्लाइस बहुत कॉमनली मिलता है, तो जैसे इंडिया में आपको मोस्टली पूरा मिलेगा, यहाँ पे आपको बाय द स्लाइस सो दैट यू कैन ग्रैब इट ऑन द गो एंड गो एंड यू हैव लाइक लार्ज पीसेस ऑफ सिंगल लार्ज साइज ऑफ सिंगल स्लाइस विच विल बी प्रीटी फिलिंग. यू नो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ पिज्जास एंड देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन आई वेंट टू वेगास और वहाँ मैं ब्रेकफास्ट से पिज्ज़ा खाना शुरू हो जाती थी क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आता था खाने के लिए. सो आई यूज़ टू स्टार्ट हैविंग पिज्ज़ा एंड लास्ट डे आते आते आई मीन समवेयर द 10th or 11th day आई वाज सो डन विद पिज्ज़ा एंड द चीज़ कि वो मेरे अंदर भी नहीं घुसना था. ऐसे मेरे को कुछ भी खिला दो लिटरली आई कैन सर्वाइव हैविंग वन एप्पल, आई कैन सर्वाइव ऑन वाटर. I can't have pizza. I'm so done with pizza. I can't have pizza. Please, for God's sake, pizza मत खिलाना मेरे को. Are you okay? Have you watched Friends? It's literally. No Friends fans. Sorry guys, you can hate me as much as you want. I mean, I'm gonna hate you for sort of liking Friends. It's literally I think like my 20th rerun of Friends already. मैं एक के बाद एक back to back देखती जाती हूँ. Guys, I swear on God, मैंने Friends try करा है देखना. मैंने एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, मैंने बहुत बारी ट्राई करा है और मैं इतना तक देखा था मैक्स टू मैक्स 3 episodes एंड आई वाज लाइक सॉरी इससे ज़्यादा नहीं हो रहा. अरे यार आपको समझ नहीं आया, मतलब बहुत ही मतलब फ्रेंड्स है बेस्ट बेटर तो शो ही नहीं मुझे पता, मतलब प्रॉपर सिटकॉम है और उसके जितनी बारी में मैं चैंडलर के डायलॉग देख लूँ जितनी बारी मुझे पता है अगला क्या डायलॉग होने वाला है. नैना मिला I'm not really. And it's literally like my stress buster. The moment I start seeing Friends, even if I'm cooking or something, Friends is always going on in the background. I'm not really a fan of watching TV shows or anything. I'm not really a fan. I think there's going to be a whole lot of hate for that already on the in the comments. In general, I don't like watching TV shows only. She watches Splitsvilla. No. अब तो सारा हेट कर देगा. फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ही है ऑलरेडी. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द बुल. दिस इज सेडर स्ट्रीट अराउंड व्हाट आई सी आर लॉट ऑफ लाइक फूड ट्रक्स. तो यहाँ पे हलाल कार्ट वगैरह बहुत है. यू सी चिकन ओवर राइस, फलाफल ओवर राइस, ऑल ऑफ दिस लॉट अराउंड हियर. लिटरली बैक टू बैक एक साथ कितने 6 carts ऑलरेडी है. एंड देन ऑल्सो अक्रॉस द रोड यू विल सी यहाँ पे और है पॉसिबली बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ दिस इज द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट वेयर पीपल आर ऑलवेज ऑन द रन. सो जो भी इंस्टेंट फूड जल्दी फटाफट मिलने वाला होता है ना दे आई थिंक दैट्स व्हाई यू सी मोर पिज्जा प्लेसेस और कार्ट्स अराउंड हियर. Have you ever tried ये food trucks का खाना? Tried. So if you watched one of my previous videos, मैंने वो करा था Adele's Halal का ट्राई किया है, which is
I think around the 50th street somewhere. Adele's Halal Cut is one of the most popular halal cut guys around here, and they've got really good food. Honestly, मैंने उनका फलाफल ओवर राइस ट्राई किया था, which is very yummy, proper like spice that हमारा टेस्ट बड्स जिसके कस्टमर बिल्कुल बेस्ट है. तो हर हलाल कट का अलग टेस्ट, मतलब मैंने सारे ने ट्राई किया, मैंने सिर्फ एक ही ट्राई किया. तो आई डोंट नो, इवन आई हैव हर्ड, सो आई वाज टोल्ड बाय अनदर फ्रेंड कि वो किसी और हलाल कट के पास गया था, एंड दिस पर्सन सेड दैट रादर देन ट्राइंग माय ओन हलाल कट, यू शुड ट्राई अडेज हलाल कट, दैट बेटर देन माइन. सो मतलब वो उतना अच्छा ऐसा काउंट करता है. आई वुड रियली वांट टू ट्राई इट. क्या ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारा चलना पड़ता है, एंड बीइंग फ्रॉम दिल्ली, बीइंग फ्रॉम इंडिया, हमें चलने की आदत नहीं है. एंड एज वी आर वॉकिंग, यहाँ सामने एक ट्रिनिटी चर्च है. लुक्स रियली प्रीटी. मैं कभी गई नहीं अंदर, ऑल्दो बट लुक्स रियली नाइस. Just read about this church and I got to know that Trinity Church was one of the tallest building in New York City. There's a long queue to go inside the church. Looks really pretty from here. And as I am panning the camera, सामने मेरे को वॉल स्ट्रीट दिख रहा है. Let's go, finally we have reached. As I'm walking towards the bull, यार रास्ते में मेरे को बहुत सारी आई लव न्यू यॉर्क शॉप्स दिख रही है, जहाँ आपको न्यू यॉर्क के सूवनेर्स मिलते हैं. जैसे आई कैन सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सूवनेर है, देर आर टी शर्ट्स एंड इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे आपको रोड साइड पे वो नकली सामान यहाँ पे भी मिलता है, बिल्कुल इंडिया जैसे. Not bad. एकदम ओरिजिनल फेक. बट यार मेरे को बहुत लंबी क्यू दिख रही है. दीज आर इजिली लाइक 50-60 पीपल राइट इन फ्रंट, एंड दिस इज जस्ट टू गेट अ पिक्चर क्लिक्ड इन फ्रंट ऑफ द बुल. माय गॉड, आई डोंट थिंक आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बुल फॉर सो लॉन्ग. मनी वर्ल्ड. And you know guys, the funny thing is कि लोग जो बुल के साथ फोटो खिंचवा रही है, तो लोग सामने से तो खिंचवा ही रहे, लोग बुल के पीछे से भी फोटो खिंचवा रहे हैं. पीछे भी खिंचवाने के लिए अलग लंबी लाइन है. मतलब ये मेरे को थोड़ा लॉजिक नहीं समझ आ रही है, पीछे से क्यों खिंचवा रहे हैं? What are they even doing? So guys, this is a 7,000-pound sculpture that stands 11 feet tall and was designed by an Italian-American artist in 1989. It took 2 years to make this after the 1987 stock market crash to inspire Americans to find their inner strength. Charging bull के साथ हमने pictures भी खिंचवा ली है, and यहाँ मेरे को दो चीज़ें दिखी. एक है Cipriani's. Cipriani's मैंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में सुना है. इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट. अब गए हो कभी? नहीं, बट जाना है मेरी बकेट लिस्ट में. ये बकेट लिस्ट है? इज इट एक्सपेंसिव? इट्स नॉट अ बकेट लिस्ट, इट्स वन ऑफ द चेक लिस्ट एक्चुअली. या बकेट लिस्ट इज अ लाइक अ ह्यूज थिंग. सॉरी, चेक लिस्ट. चेक लिस्ट. दूसरी चीज, देयर इज NYFA, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी. या मैंने सोचा था या मैं जाऊंगी,
बट अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं. लेट्स सी टू फेमस प्लेसेस दैट आई हैव हर्ड अबाउट एंड आई हैव सीन. एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. It's evening time now. It's 6:30 और अभी तक sunset ही नहीं हुआ है यहाँ पे. That is another very interesting thing. Yes, that was very shocking for me. आधे दिन तक होता ही नहीं है sunset. That was very shocking for me. The first day when I came here, I was like, मैं पहुँची तो 6 बजे थी यार. इतने घंटे हो गए पहुँचे, फिर भी sunset ही नहीं हो रहा. So guys, here comes an end to today's vlog. We had a lot of fun. It was super tiring. My legs are gone right now. I'm sitting here for a while. हम यहाँ थोड़ी देर बैठने वाले हैं, enjoying the sun. उसके बाद we'll head back home because बहुत सारा चले हैं. Legs are literally paining. सोना है मुझे इसके बाद. And we are going to switch over to a new location tomorrow morning and start early and get started on another tourist spot that I want. Nikki to roam around with. I'm not sure where we are going right now. But we're going to decide and let you know and cover and show you around New York. Stay tuned. Bye-bye.